अच्छा एक चीज़ और जो है ना इस केस के हवाले से, जितनी अफवाहें उड़ रही हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, और सारी अफवाहें ऐसी हैं कि कोई चैनल उससे थोड़ी सी अलग बात करता है तो कोई थोड़ी और बढ़ा के करता है, तो वो बढ़ते बढ़ते फिर बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एक चीज़ और दुआ के हवाले से बहुत ज़्यादा ये सुनने में और जो है ना वो देखने में आ रही है कि दुआ तीसरी जमात तक स्कूल गई, उसके बाद वो स्कूल नहीं गई। स्कूल वालों ने भी इस बात की गवाही दी, उसकी क्लास वालों ने, न्यूज़ चैनल के मुताबिक, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके मुताबिक जो दिखाया जा रहा है कि स्कूल से भी गवाही मिली, उसकी क्लास फेलोज से भी गवाही मिली, तो इसका क्या सच है, इसमें कितना परसेंट सच है और कितना परसेंट गलत है? मेरे पास उसका बैग पड़ा हुआ है जो, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूँ, कोविड जो आया जिसकी वजह से स्कूल बंद हुए, वो मार्च 2020 में पाकिस्तान में कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, और पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान के बच्चों का को प्रमोट कर दिया गया था, स्कूल बंद हो गए थे, पूरा एक साल स्कूल बंद रहे थे, और अगले साल फिर प्रमोशन विदाउट पढ़े मिली थी। ठीक है, उस वक़्त मेरी बच्ची चौथी क्लास के पेपर दे रही थी, उस दिन उसने शायद पहला या दूसरा पेपर दिया था फोर्थ का। ठीक है, वो प्रमोट हो के ये मार्च 2020 में वो पाँचवीं में गई, अगले साल फिर विदाउट स्कूल गया, मतलब पूरा मेरी बच्ची नहीं, पूरा पाकिस्तान के बच्चे ही स्कूल नहीं गए और प्रमोट हो गए। अच्छा, इस दौरान कुछ स्कूलों में जिनमें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ थी वो तो चलती रही, लेकिन जिस स्कूल में मैं मेरी बच्ची पढ़ती थी इनमें ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरी बच्ची घर में ही जो पढ़ सकती थी वो पढ़ी। छठी तक तो वो ऐसे ही प्रमोट होगी, साथ अब ये जो लास्ट, ये जो अभी का टाइम है, इसमें भी आपको पता है ओमिक्रॉन के ऊपर स्कूल कुछ देर बंद रहे थे, चाहे वो 15 दिन 20 दिन महीना बंद रहे। मैंने प्लस मेरी फैमिली के अंदर बड़ी क्लोज डेथ्स हुई थी, मेरे फादर इन लॉ इसी कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हुई, इसके अलावा कुछ और डेथ्स हुई कोविड को लेके मेरे बड़े क्लोज, और मैंने वो यानी मैंने वो आईसीयू का टाइम भी देखा है अपनी फैमिली में, और मैं वो उससे इतना डर गया था कि मैंने अपनी बच्ची को जब तक उसको इसका जो है वो जो डोज लगती है इसकी कोविड की वैक्सीनेशन, मैंने सोचा कि पहले वो हो जाए और उसके बाद, आपको पता है 12 साल से तक के बच्चों की जो डोज है वो मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले अप्रूव हुई थी। ठीक है, अभी आप यकीन करें 15-20 दिन पहले मैंने उसे सेकंड डोज लगवाई थी, ये इसका मैं कार्ड भी आपको दे सकता हूँ। सेकंडली मेरे पास चौथी क्लास का बैग उसका पड़ा हुआ है फोर्थ का, जो 2020 का पड़ा हुआ है, जिसमें उसने फोर्थ का पूरा कापियों में पूरा उसका वो सारा उसका जो यानी होमवर्क और ऐसी चीज़ें वो सारा मेरे पास मौजूद है। तो ये ऐसी चीज़ें ज़ेरे बहस लाना बड़ी, मतलब एक हर चीज़ के ऊपर नेगेटिविटी निकालनी मैं नहीं समझ सकता कि उसका इससे क्या ताल्लुक है। अगर लेट्स से कि वो स्कूल नहीं भी गई होती तो यार उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक था, लेकिन मेरे पास एविडेंस पड़ा है। अगर कोई चैनल